एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी में, जो हमारे यूपी टेट में भी इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सी टेट आपके प्राइमरी में भी काम में आएगा, आपके जूनियर में भी काम आएगा, और टेट में भी प्राइमरी और जूनियर में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है और इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम, यानी कि लर्निंग। तो भाई, लर्निंग जो है, हमारे सब सारी कहानी जो है लर्निंग पे ही डिपेंड होती है, ये मान के चलिए आप। देखिए, सीखना क्या है, अधिगम मतलब सीखना। सीखना क्या है, व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, जीवन पर्यंत वह चलता रहता है। व्यक्ति बच्चा जो है माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो सीखने से ही जो है, जब हम अपनी लाइफ में कुछ अलग कुछ अच्छा सीखते हैं, चाहे हम कुछ बुरा सीखते हैं, वो तो निगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हमारे लर्निंग है, तो उसी हिसाब से हमारा व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। और मेन जो पॉइंट होता है, मेन जो हमारे जो सक्सेस का राज होता है, वो हमारा सीखना ही होता है। क्योंकि जो जो चीजें हम सीखते जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में होता है लर्निंग, कि हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और कहाँ से सीख रहे हैं। तो भाई, सीखने के ऊपर जो है, काफी लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने एग्जाम्पल दिए हैं। तो आज हम थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आपके जो है वाटसन है, पैवलोव है, बर्टिमर है, कोहलर है, लेविन है, और इन ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन सारे मनोवैज्ञानिकों का जो है एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो सबको पता ही है। तो इसलिए इनको हम वन बाय वन करेंगे। तो आज हम जो करेंगे वो थॉर्नडाइक का करेंगे। तो सबसे पहले हम अधिगम के बारे में जानते हैं, कि अधिगम के दो सिद्धांत बताए गए, यानी कि दो अवधारणाएं बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किरो एवं किरो ने जो है अधिगम की डेफिनेशन दी है, कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है। तो जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंज होता है, जब हमारे व्यवहार में चेंज होता है तो हमारी आदतें भी चेंज होती हैं, है ना। अब हमारा सबसे पहला जो अवधारणाएं है, टू अवधारणाएं मैं आपको बताए हैं। तो पहला है आपका व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत। इसमें क्या आता है, देखिए, इसमें विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रियाएं होती हैं, है ना। जो अब उद्दीपन क्या है, अनुक्रियाएं क्या है, ये भी बताएंगे। तो इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के सहचार्य, यानी कि इन दोनों के मिलने, यानी कि संबंध से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उनकी व्याख्या करना ही सिद्धांत का उद्देश्य होता है। अब ये सिद्धांत जो है वो किन किन ने दिए हैं, उसमें आपके थॉर्नडाइक आते हैं, वाटसन आते हैं, और आपके पैवलोव और स्किनर का सिद्धांत आता है। दूसरी अवधारणा क्या है, ज्ञानात्मक व क्षेत्र संघटनात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें देखिए, अधिगम का ये सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में जो अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करता है। अब अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, जब हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो लैंग्वेज है ये आपके समझ में आ जाएगी। तो इसका सिद्धांत जो है किसने दिया है, इसका सिद्धांत जो है बर्डेमियर, कोहलर तथा लेविन ने दिया है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, ज्यादातर हम लोग सुनते हैं पेरियार एवं ट्रोटी का सिद्धांत, लेकिन इस सिद्धांत के और भी कई नाम हैं भाई, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ना एग्जाम वाले जो है उसको नाम चेंज करके भी दे देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार हमने पढ़ा तो ये था, फिर इसमें थॉर्नडाइक कहाँ से आ गया। तो वही उपनाम कौन कौन से हैं जो चेंज होके आ जाते हैं, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या है, देखिए, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के और अलग अलग नाम है। तो सबसे पहला नाम तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ही है। दूसरा है उद्दीपन तथा अभिक्रिया का सिद्धांत। तीसरा संयोजनवाद का सिद्धांत। चौथा अधिगम का संबंध सिद्धांत। यानी कि ये सारे सिद्धांत जो है वो एक ही हैं, और किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए, पर ये इनके अलग अलग नाम है। अब जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है थॉर्नडाइक का है। अब एग्जाम में दे दिया कि भाई उद्दीपन तथा अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो अगर हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो हम हो जाएंगे कंफ्यूज कि भाई किसने दिया है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो ये उपनाम है, इनको याद करना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम में आते ही है। और अब मैं बताती हूँ आपको, थॉर्नडाइक ने जो
उन्होंने देखिए क्या किया था, एक बिल्ली ली थी, भूखी बिल्ली, उसको कई दिन तक भूखा रखा था और उसको जो है एक संदूक में उन्होंने बंद कर दिया और उस संदूक में एक ऐसी कहते हैं चटकनी लगा दी थी जो किसी भी तरीके से दबने के बाद आराम से खुल सकती थी और उसका संदूक का जो है जो बॉक्स है वो खुल जाता। तो उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को उसमें बंद कर दिया और बंद करने के बाद में उसके सामने जो है एक मछली जो है डाल दी थी, ठीक है, मछली का टुकड़ा डाल दिया, मछली डाल दी थी और उसको इस तरीके से डाला था कि बिल्ली जो है उस मछली को उस बक्से में से संदूक में से देख सकती थी। अब भाई बिल्ली तो थी भूखी, अब हम लोग अपनी तरह की देख लो कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा हमें भूख लगी हुई है और हम कहीं रूम में बंद है और सामने हमें खाने की चीज दिख रही है तो भाई हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ना कि भाई हम कैसे भी करके इस रूम से निकले। तो यहाँ पे जो था वो थॉर्नडाइक एग्जाम्पल उन्होंने एक ये शोध किया था। तो उन्होंने क्या किया, जब बिल्ली ने उस मछली को देखा और वह भूखी तो थी, फिर उसने क्या किया, उसने किया उसकी जो थी क्या कहते हैं उसको उद्दीपन करना शुरू कर दिया। तो अब उसके उद्दीपन जाने की उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि कैसे भी करके मैं इस संदूक से बाहर निकलूं और इस मछली को ले लूं। जब क्या होता है कि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और हम उसमें एक बेचैनी एक फीलिंग आने लगती है तो बिल्ली जो होती है उसके उद्दीपन उसने करने शुरू कर दिए और जब उसने कोशिश करनी शुरू की यानी कि अनुक्रियाएं करनी शुरू कर दी, क्या अनुक्रियाएं करनी शुरू कर दी, उस बक्से से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। अब वो कभी इधर कूदती, कभी उधर कूदती, कभी इधर छलांगे उधर छलांगे, लेकिन भाई वो बॉक्स नहीं खुल रहा था। फिर कहीं कैसे कूदते फांदते उसका जो है कहीं से भी उसका पैर या फिर उसका पंजा जो है उस चटकनी में पड़ गया होगा और वो बॉक्स जो है खुल गया, बिल्ली जो है बाहर आ गई और उसने फटाक से वो मछली खा ली। थॉर्नडाइक ये देख ही रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ दिन बाद फिर उस बिल्ली को भूखा रखा और दोबारा से उस बॉक्स में बंद कर दिया। फिर वही हुआ, फिर बिल्ली वही देख के फिर उसको एक्साइटेड हो गई, फिर उसका उद्दीपन जो है करने लगी, फिर उसने अनुक्रियाएं करनी शुरू कर दी, फिर वो कूदी, फिर वो मार दी। लेकिन इस बार क्या था, उसने जो पहली बार जो उसका जो था समय था उसे थोड़ा सा कम समय हुआ और फिर उसका पंजा जो है उस चटकनी में पड़ गया, फिर वो बॉक्स खुल गया और फिर उसने मछली खा ली। लेकिन इस तरीके से क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने ये उपयोग जो था बार बार कई बार किया। फाइनली क्या हुआ, उस बिल्ली ने जब बार बार एक ही काम उसके साथ हो रहा था तब उसे क्या हुआ, अपना जो कोशिश कर रही थी तो उसको उसे डायरेक्ट ही फिर समझ में आ गया कि भाई ये चटकनी खुलने के बाद जो है दबने के बाद ही बॉक्स ओपन होता है और तब मैं बाहर निकलती हूँ। तो उसने एक बार में वो नहीं सीखी, वो बार बार प्रयत्न करने के बाद अपनी गलतियां करने के बाद वो चीज को सीख गई और लास्ट में जो था वो उसने तुरंत वहीं पर उसको टच किया और निकाल के वो बाहर आ गई। तो यहाँ पे कहने का मतलब थॉर्नडाइक का ये था कि जब बच्चा होता है तो बच्चा जो है या हम होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी गलतियों से ही बहुत सी चीजें सीखते हैं और जब तक हमारे अंदर किसी चीज को सीखने का किसी चीज को करने का उद्दीपन नहीं होगा और हम अनुक्रियाएं नहीं करेंगे, अनुक्रिया मतलब हम कोशिशें नहीं करेंगे किसी काम को करने की, तो हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे कैसे। तो किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए जो है हमें क्या करना है, पहले हमें उसका उद्दीपन होना जरूरी है, उसके बाद में अनुक्रियाएं होनी जरूरी है, यानी कि उस चीज को पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए हमें अपने यहाँ पे जो था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यही बताया गया था कि बार बार किसी काम को अगर हमें कोई चीज नहीं आती है या हम किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उस काम को बार बार प्रयास करते रहना चाहिए और जब हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार उस काम को करने का प्रयास करेंगे, हम गलतियां भी करेंगे और हम अपनी गलतियों से सीखेंगे भी और लास्ट में क्या होगा, हम गलतियां हमारी थोड़ी थोड़ी करके कम होती जाएंगी और फाइनली हम सीख जाएंगे। तो यही हुआ था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, बिल्ली सीख गई थी। इसी तरीके से हम या कोई भी बच्चा जो भी किसी चीज को करता है तो वो बार बार प्रयास करने से और अपनी गलतियां उसकी जो बार बार जो वो गलतियां करता है जब वो कम होते जाते हैं तब हम सीखते हैं, यानी कि लर्न यानी कि हमें अधिगम हो जाता है, हम सीख जाते हैं और जब हम सीख जाते हैं तो उस काम को हम फिर आसानी से कर लेते हैं। तो ये था आज थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कल हम बात करेंगे वॉटसन और पैवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को छोड़ना नहीं।
और उसको जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसा लगा।